Hello students, today we are going to start exercise number 3.3 class 10th subject mathematics. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस कीजिएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्या दे रखा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. अपन को इधर कुछ इक्वेशन दे रखी है, अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है. तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन इसी में समझेंगे, बहुत इजी है, समझ लेंगे. अपन को ये दो इक्वेशन दे रखी है, तो अपन ने क्या लिख दिया, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया है, थोड़ा से इनको इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अपन इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, क्योंकि ये अपन को थोड़ी छोटी दिख रही है. इसमें अपन x की वैल्यू निकालते हैं, x is equals to 4, इधर y माइनस में, तो उधर जाके कितने में जाएगा, प्लस में. इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3. अब इस x की वैल्यू अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड करें, यानी अपन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है. पुट x is equal to 4 plus y इन इक्वेशन फर्स्ट, और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख देंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन. तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x plus y is equals to 14, x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस y, y is equals to 14, ब्रैकेट खोलेंगे, y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y is equals to 14, 2y ऐसे किया सही, 4 उधर जाएगा, माइनस में से ले गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 14 में से 4 जाएगा तो 10, और 2 इधर नीचे डिवाइड में जाएगा, तो कितनी आ गई y की वैल्यू, y is equals to 5, अपने पास y की वैल्यू आ गई. अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो अपन इसमें पुट कर देते हैं, put y is equals to 5 in equation 3rd. Equation 3rd पे put करेंगे, x is equals to y plus 4. x is equals to y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5 plus 4. x is equals to 9. ये अपने पास क्या आ गई है, दोनों वैल्यूज आ गई है. अब हम अगर अपने को चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं है, तो अपन चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको. कोई सी क्वेश्चन रख दो, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू क्या है, 9 है, इसमें भी रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या है, 5 है, इज इक्वल्स में क्या चल रहा है, 4, तो 4 बराबर है 4, यानी LHS बराबर RHS आ गया, तो क्या है अपने आंसर, वैल्यूज क्या है, करेक्ट. पॉजिटिव नोटिंग डाउन स्टूडेंट्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अपन ने क्या लिया, दोनों सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन में फर्स्ट को फर्स्ट डाल दिया और सेकंड को अपने सेकंड डाल दिया. अब अपन लेंगे इसमें सिंपल कौन सी दिख रही है अपन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन. तो अपन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अपन एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3, टी इधर माइनस में होता है कितने हो जाएगा, प्लस में, ये आ गई अपन इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3rd. अब एस की वैल्यू अपन क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड, एस की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी है, इधर एस की लगा देता हूँ, 3 प्लस टी अपॉन 3, अब टी बाय 2 इज इक्वल टू 6, ये अपन ने क्या करा, वैल्यू पुट करिए, नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं तो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 6. अब देखेंगे 3 की डिनोमिनेटर 6 कितनी बार आता है, 2 बार, तो ऊपर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से इधर कितनी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का, इक्वल टू 6. नाउ 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का, 2 3 का 6, और 2 को 3 में कराएंगे तो 2t, प्लस 3 का t में कराएंगे तो 3t अपॉन कितना आ रहा है, 6, और ये जो 6 चली रहा है वो, अब ये जो डिनोमिनेटर का 6 है उसको उधर भेज देंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5t, और ये कितना हो जाएगा 36. वैल्यू निकालेंगे t की, 36 माइनस 6, ये प्लस का, तो दो जगह माइनस में, t की वैल्यू कितनी है अपने पास, 30, 36 माइनस 6 30 अपॉन 5, कितनी आ गई अपने पास, t की वैल्यू 6, 5 6 आर 30, तो t की वैल्यू आई है अपने पास 6. ओके, अब इस t की वैल्यू को अपन इसमें, नाउ t की t इज इक्वल टू 6 अपन किस में करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, टी की वैल्यू क्या है अपने पास,
6 s equals to 6 इधर माइनस में चला गया कितने बच जाएगा प्लस में s equals to 9 ये अपने पास क्या है वैल्यू हो गई ये अपने क्या आ गए दो आंसर आ गए नोट डाउन स्टूडेंट्स नाउ इक्वेशन थर्ड या क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें अपन को दो इक्वेशन दे रखी है अपन को अपन ने फर्स्ट को फर्स्ट डाल दिया और सेकंड इक्वेशन को सेकंड डाल दिया अब अपन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन जो इजी लगेगी अपन इक्वेशन उस पर लेंगे तो अपन को इधर क्या दिख रही है इजी फर्स्ट वाली दिख रही है ले लेंगे अपन 3x - y = 3 y की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 3 ये इधर प्लस में उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस में 3x ये माइनस को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस बचेंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा -3 + 3x तो इसको अपन अरेंजमेंट करके ऐसे लिख सकते हैं 3x - 3 क्या हुई अपने पास y की इक्वेशन आ गई इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे वैल्यू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दस सब्स्टिट्यूट करते हैं 9x - 3 और y कितना है अपने पास 3x - 3 = 9 ये अपने इस y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी सॉल्व करेंगे इसको 9x - 9 + 9 = 9 इससे ये कट जाएगा 9 क्या हो गया 9 के बराबर आ गया जो कि क्या है सही है विच इज ट्रू दैट देयरफॉर इक्वेशन अगर ऐसे इक्वल्स टू आ जाए तो दैट मींस क्या कर रहे हैं ये इसके मेनी सॉल्यूशंस है देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इनके क्या है बहुत सारे सॉल्यूशंस है ओके नोट इट डाउन स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है ये पॉइंट 2 में दे रखा है क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड आती है अब हम कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं अपन लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे 0.2 + 0.3 x y = 1.3 इधर ले सकते हैं नाउ अपन क्या करेंगे इस तरह y की वैल्यू निकाल देते हैं ठीक है तो y की वैल्यू निकालने के लिए y को फ्री छोड़ना पड़ेगा तो उसको भेजते हैं नाउ अपन इधर कहते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 0.2x 1.3 ये प्लस में लगा कितने में हो जाएगा माइनस में y x ये इधर इनटू में हो जाएगा डिवाइड में तो ये कितना हो गया 0.2 ये अपने आ गई x की वैल्यू इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे value of x in equation number second में substitute करते हैं अपन second equation क्या है जो लिख लेते हैं एक बार 0.4x + 0.5y = 2.3 x क्यूब सब्स्टिट्यूट करनी है 0.4 x क्यूब क्या है 1.3 - 0.3 y upon 0.2 + 0.5y = 2.3 next equation अपन bracket अलग अलग करेंगे 1.3 - 0.3 y upon 0.2 + 0.5y = 2.3 इससे कट जाएगा पूरा कितना हो जाएगा ये 2 आ जाएगा अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 2.6 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.6y + 0.5y = 2.3 ना इन लोगों को प्लस करते हैं उसको माइनस में भेज देते हैं तो 0.6y + 0.5y कितना हो जाएगा प्लस करने पर ना इसको प्लस माइनस करेंगे ये इधर प्लस में दबा के कितना हो जाएगा माइनस में प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -0.1y और 2.3 - 2.6 -0.1y = -0 होगा तो कितना आ जाएगा -0.3 ओके इस माइनस से माइनस कैंसिल y की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 / 0.1
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y की वैल्यू हो गई अपने पास 3। अब इस y की वैल्यू को अपन क्या करते हैं, पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुट कर दो y की वैल्यू को, अपन इसमें कर देते हैं x में। लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, y की वैल्यू 3 है, x इज इक्वल टू कितना है अपने पास 1.3 माइनस 0.3, y की वैल्यू 3 है अपॉन 0.2। सॉल्व कर दें इसको, कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। 1.3 में से 0.9 जाएंगे तो कितना बचेगा 0, 13 में से 9 जाएंगे तो 4, 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 2 से 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 2। अपने पास x की वैल्यू आ गई, अपने पास क्या है y की वैल्यू आ गई। ओके फ्रेंड्स, नाउ नोट इट डाउन।